गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। यानी दो स्क्वायर नंबरों के डिफरेंस जो है वो 180 है। क्या है? 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। यानी वो हम लोग दोनों संख्याएं निकालनी है। तो थोड़ा सा बात को अच्छे से क्लियरिफाई करते हैं, लेट करते हैं। लार्जर नंबर एक्स एंड स्मॉलर नंबर वाई। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जो बोल रहा है, डिफरेंसेस क्या है, वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। क्या है? कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना डिफरेंस है? 180 का डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है? कितना डिफरेंस है? 180 का। फिर बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है द लार्जर नंबर के। यानी वाई स्क्वायर बराबर दिया है 8 इंटू एक्स, यानी वाई स्क्वायर बराबर क्या दे दिया है? 8x। हम लोग इस इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8x और 180 को उधर भेजते हैं माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में तो जीरो। अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 180 का फैक्टराइजेशन जो होगा बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये 8x है, तो माइनस 10x और प्लस 8x, 80 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस भी हो जाएगा और यहाँ घटकर 8 भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही? माइनस 10 में से अगर हम लोग 8x घटाते हैं, सॉरी 18 में से अगर हम लोग कितना, हाँ 18 में से हम लोग 10 घटाते हैं 10x, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 8x आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 180। तो x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 18 और इधर प्लस 10 कॉमन लेते हैं तो x माइनस कितना 18 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 18 में से हम 10 घटाएं तो 8x आ जाएगा और माइनस में से प्लस घटाएं तो माइनस का ही साइन बड़ा होगा, क्योंकि ये बड़ा साइन 18 का है। तो यहां से हम लोग कॉमन लिए तो x माइनस 18 हो गया और x प्लस 10, यहां हम लोग दो नंबर आ गए मिल गए हम लोग को। तो इसको थोड़ा सा हम लोग अलग कर लेते हैं, x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर 0। थोड़ा सा इसको सजा लेना ही अच्छा होता है, क्योंकि मार्क्स इस पर भी मिलते हैं। क्वेश्चन तो यहां पर x का वैल्यू क्या आ गया 18 और यहां x का वैल्यू क्या आ गया माइनस 10। तो कोई भी नंबर जो होता है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, अप्रोक्स माइनस में नहीं होता, नेगेटिव नंबर को नहीं लिया जाता है। तो अगर हम लोग x बराबर 18 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर बराबर है 18x। तो 18 इंटू 8 और 6 14, यानी वाई स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 140। तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या आएगा अंडर रूट 144। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग अंडर रूट में से निकालते हैं तो वाई का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस 12। यानी जो है कि लार्जर नंबर 18 और स्मॉलर नंबर या तो 12 होगा या माइनस 12 होगा। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 7 पूरे अच्छे से क्लियरिफाई हो गए। तो थैंक यू।